एक-एक अर्जित किए हुए अंक और एक-एक गवाए हुए अंक दोनों का महत्व है। बहुत ही सोच समझ के आप अंकों खेल यू तो हर मैच का रिजल्ट निकलना है, क्योंकि टाई के रूप में यदि कोई भी टीम टाई होती है तो उन दोनों को दो अंक प्रदान किया जाता है। हारने वाली टीम यदि 7 अंक से कम अंतर से हारती है तो उसको एक बोनस अंक प्रदान किया जाएगा, परंतु जीतने वाली टीम कितने भी अंतर से जीते, चाहे वो 1 अंक के अंतर से जीते या 10 या 20, उसको केवल एक निर्धारित दो अंक है 5 अंक वो प्रदान किया जाएगा। परंतु ध्यान देने वाली वाली बात यह है, लीग में प्रत्येक लीग में 5 टीमें हैं, प्रत्येक लीग में शामिल टीमों को एक दूसरे के 4-4 मैच खेलने थे, तो इस स्थिति में आपका एक एक अंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हारे या जीते हैं, लेकिन अंकों की गणना पर हमेशा ध्यान रखें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और अंत में जब अंक तालिका बनेगी तो आपके उस एक एक अंक का हिसाब उसमें रहेगा। आदरणीय संदीप पांडे जी, भाई रोहन, आप सभी कृपया मंच में आ जाए, यहां से देखें। पुरुषोत्तम ठाकुर, ये अपनी टीम की ओर से बहुत बड़ी उम्मीदों का बोझ लिए हुए और अधिकतम आप सभी ने देखा होगा फर्स्ट मैच से लेके अभी तक प्रत्येक हारने वाली टीम को एक या एक ही मैच शायद ऐसा हुआ है जो जिसको कहा जाए कि एक तरफा कहा जाता है। उसके अलावा प्रत्येक हारने वाली टीम भी कम से कम एक बोनस अंक अर्जित की है। इससे यह प्रतीत होता है यह बेहद ही कठिन टूर्नामेंट घटने वाला है। अशोक यादव जी, साहू जी, कृपया आप सभी जब तक हमारे बीच मैदान में बने हैं यहाँ पर मंचासीन होकर आनंद लें। रोहित यादव को मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि आपके अर्जित किए हुए प्रत्येक अंक का महत्व है और आपके द्वारा खोए गए भी अंक का महत्व है। तो जब अंक तालिका बनेगी तो उसमें आपके हर खोए हुए या अर्जित किए हुए अंक का हिसाब होगा, उसी से औसत निकलेगी। और प्रत्येक ग्रुप के, क्योंकि अमूमन होता है आप अंक हमेशा दो टीमें बराबर अर्जित करती है, उनके बीच केवल औसत का अंतर रहता है, तो ये औसत वही है आपके अर्जित किए हुए अंक और आपके खोए हुए अंक। इसलिए हर मैच को बहुत ही सीरियसली लें, और यदि आप हार भी रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि उस हारे हुए मैच में भी एक अंक प्राप्त करें, और यदि अंक प्राप्त नहीं होता है तो कम से कम अंकों का अंतर हो, इतना ध्यान रखें।
अभी तक इस प्रतियोगिता में सभी 10 टीमें अपना प्रदर्शन दिखा चुकी हैं। कुछ टीमों ने खेले हैं, कुछ टीमों ने दो दो ही मैच खेले हैं, परंतु मैं सबको सूचित करता हूं, कुछ टीमों की शिकायत थी कि हमारा मैच लगातार हो रहा है, तो मैं ये सबको सूचित कर दूं कि प्रत्येक का मैच एक मैच लगातार ही होगा, लगातार अर्थात एक मैच के बाद लगातार दो मैच किसी भी टीम का नहीं है, एक मैच के बाद दूसरा मैच, ये प्रत्येक टीमों को एक बार ही खेलना होगा। तो किसी को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पारदर्शी रूप से आपको पहले ही ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया है, और उसमें आप यदि गुणा भाग करेंगे तो यही पाएंगे कि प्रत्येक टीमें एक न एक बार लगातार अवश्य मैच खेलेंगी। तो ये किसी एक टीम की कहानी नहीं है, सभी को खेलना होगा और सभी के लिए नियम व कायदे कानून इक्वल है। आपने अब सुबह से काफी मेहनत किया है, सुबह से आप थोड़े से ही नाम के आए थे, आपको आज थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ा, जिसके लिए हम सभी, आप भी और हम सभी बराबर भागीदार हैं, और ये जिंदगी में ये चीजें घटती रहती हैं। कल प्रातः से बालिका महिला वर्ग के मुकाबले प्रारंभ हो गए, और आपके इक्वल जितना उनका 3 से 4 बजे तक उनका मुकाबला होगा, तत्पश्चात पुनः पुरुष वर्ग का बाकी का लीग मैच संपन्न कराया जाएगा। और अभी तक लगभग 8 मिनट घट चुके हैं, और मैच का हाल देखिए, दोनों 4-4। मैं मैच के बारे में अभी तक जो कुछ भी घटा, वो आगे जो कुछ भी घटने वाला है, उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ पांडे जी को। भाई कुशमर कौन जी, आगे का आंखों देखा हाल आप सुनाएंगे। और अभी चल पड़े महत्तम ठाकुर 7 नंबर की जर्सी पर, 6 रन के मध्य कबक कबक की आवाज से हुए, और बिना किसी अपने अपने मैदान को वापस 5 और 4 की स्थिति। आपका आंखों देखा हाल मध्यांतर के लिए संभवता 1.5 मिनट से, और 10 नंबर की जर्सी पर काफी तेज सजा खिलाड़ी, और फिर से वही रेडर 7 नंबर की जर्सी पर मंगल पांडे खपरी के मैदान पर, और डुबकी मारने की कोशिश, और इस प्रकार प्रेम 7 नंबर की जर्सी पर दबंग स्टार खटवाली के मैदान पर, चार खिलाड़ी के मध्य काफी चतुर खिलाड़ी फुलचंद यादव, और मन हरण 5 और 5 की सीढ़ी
सात का हाउसफुल मैदान बना था और शानदार है एक पॉइंट लेकर अपने मैदान को वापस इस प्रकार मध्यांतर होता हुआ सात नंबर विजय कीपर प्रेम यादव काफी तेज सरदार खिलाड़ी पांच हजार के मध्य देखते क्या कर पाते हैं और काफी डिप जा सके रेडर बिना किसी अंक के अपने मैदान को वापस फिर से वही रेडर आठ नंबर की जर्सी पर जो अपने पिछले रेड में अंक लेकर गए थे और नाना की आवाज आता हुआ और फिर से खपरे खिलाड़ी करही खिलाड़ी दबंग स्टार खटवनी के मैदान पर और टाइम पास की मुद्रा में और अपने मैदान वापस पांच नंबर की जर्सी पर रविंद्र देखते क्या कर पाते हैं छह का हाउस मैदान बोना था और बिना किसी अब लिए अपने मैदान को वापस और इधर से दो अढ़ाई प्रेम को या तो अंक देना होगा या अंक लाना होगा और प्रेम यादव अपना अंक दे बैठे टाइम आउट मंगल पांडे पर ही पांच दो अंक लेकर अपने मैदान को आ गए और नौ और पांच की स्थिति और बोनस पर पॉइंट लेकर दस नंबर विजेता अपने मैदान वापस फिर से चल पड़े पुरुषोत्तम ठाकुर काफी अनुभवी खिलाड़ी चार के मध्य देखते क्या कर पाते हैं वही रेडर जो अपने पिछले रेड में पॉइंट लेकर गए थे कबट कबट की आवाज करते हुए एक ही कारण से अंक लिए डटे हुए खिलाड़ी और बिना अंक लिए अपने मैदान को वापस फिर से चल पड़े भाई पुरुषोत्तम ठाकुर सात नंबर की जर्सी पर चार और एक के मध्य यह मैच चलता हुआ नौ और सात की स्थिति आपका आंखों देखे हाल मैच का हैंड टच करने की कोशिश और फिर से और एम्प्टी रेट कर अपने मैदान वापस दो अढ़ाई मनहरण को या तो अपना अंक देना होगा या अंक लेके आना होगा और इस प्रकार एक अंक लेकर अपने मैदान को वापस दस और सात की स्थिति इधर से हिंदू अढ़ाई सात से रफरी में मत आई इधर और शानदार है एक अंक लेकर अपने मैदान को वापस चल पड़े और मैदान से रक्षक कृपया ध्यान देवे मैदान से जो पट्टी पड़ी हुई है उनको बाहर करने कष्ट करेंगे
ऑफिशियल टाइम आउट फिर हमारा पता हुआ मैच समाप्ति के लिए शेष 5 मिनट एक बार आपके समक्ष यह मैच चालू होता हुआ 10 नंबर विजय की बात हेडर और शानदार किक नजारा और रिकवर लेकर अपने मैदान को वापस दस और नौ की स्थिति देखते क्या कर पाते रेडर दो अढ़ाई कल की जांच करते हुए और दो अढ़ाई से बहुत सफल रेडर मनहरण अभी तक दो अढ़ाई में टैकल नहीं हुए इस मैच के दौरान और इधर पकड़ा गया रेडी और रेड पर फिर से ही रेडर सफल रेडर दबंग स्टार गठबंधन के मैदान पर मंगल पांडे कढ़ी के खिलाड़ी और दो कम लेकर अपने मैदान पर वापस बिना किसी अंदर अपने मैदान को वापस सुपर टकला देखते हैं प्रेम यादव मगर की जकड़ दे फंसते हैं या बचते हैं संभवतः अगर डिफेंडर टैकल करता है तो घटोई टीम को दो अंक मिलेगा बिना किसी रिक अपने मैदान को वापस 5 नंबर की जर्सी पर रविंद्र चल पड़े कढ़ी के मैदान पर बेकिक मारने की कोशिश और एक अंक लेकर अपने मैदान को वापस फिर से वही खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पर घटवानी के मैदान में कबट कबट की आवाज करते हुए 11 और 11 की स्थिति और फिर से चल पड़े भाई पुरुषोत्तम ठाकुर 6 के मत बोना सांच काफी शांत मुद्रा में यह मैच चलता हुआ आओ मुझे पकड़ो की आवाज करते हुए और बिना किसी अंक अपने मैदान को वापस दो अढ़ाई करो या मारो किसी की या तो रेडर को पॉइंट देना होगा या पॉइंट लेके आना होगा अब देखते क्या कर पाते रेडर पॉइंट देते हैं क्या पॉइंट लेते हैं किस प्रकार रेडर आउट होता हुआ और 12 और 11 की स्थिति टाइम पास की मुद्रा में रविंद्र उनको पता है कि अभी वे बढ़त में हैं और
वापस और इधर से दो अढ़ाई कर ही के मैदान पर निर्णायक यहाँ मैच टाइम होता हुआ मैच